अगर आपने फैक्ट्री ऑफ हबीबी का पार्ट वन नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, तभी ये वीडियो कुछ समझ में आएगा। और हाँ, इस वीडियो में थोड़ी बहुत गालियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए कृपया एयरफोन लगा लें। बुलुक ताए देखी देखी के बुलुक चलती भाईजान गाड़ी पे बैठती नहीं भाईजान, वो कभी इसके बच्चे हमको बैठने लायक नहीं छोड़ती। क्यों भाईजान, क्या होती? वो भोसड़ी के छोटू अटेला सिर्फ दिखने में छोटा होती पर उसका इतना बड़ा होती और उसके वर्कर उससे भी बेरहम होती। आज हम पैदल ही जाती। ठीक है भाईजान, तो चलती। ताई देखी देखी के ये जाने ताई कर ले दीवाना ए जा ताई कर ले। ओह नो, हेरो रानी, मैं देख के सबके मुंह में आ जाता है पानी, इसलिए हम तुम्हारे साथ बनाना चाहते एक नई कहानी। कभी हमें भी दिखाओ अपनी जवानी। मर गया मादा। इसका हाथ पकड़ के कर दी है नादानी। अब जरा हम भी तो देखें तुम्हारे गांड में है कितना पानी। Oh, no! हमारे फगोनिया पे जो तुम उठाओगे नजर तो तोड़ देंगे हम तुम्हारी कमर। हक भोसड़ी के। हमको आपकी फैक्ट्री बहुत पसंद आती। हमको भी आपका फैक्ट्री बहुत पसंद आती। भोसड़ी के, तुम किस फैक्ट्री की बात करती? वो मैं दुबई वाली फैक्ट्री की बात कर। लेकिन तुम तो दुबई को कभी जाती ही नहीं। अलहबीबी, ये फैक्ट्री की नीलामी कब होती? कौन से इस वाले फैक्ट्री की या आपके फैक्ट्री की? भोसड़ी के। अरे अरे शेख साहब, कल होती कल। दिला दे विनोद। देख रहा है विनोद? अरे 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 चुकंदर, क्या हुआ तेरे को? मुझे फेफड़े में दर्द हो रही है। ओह नो। अरे विनोद, जल्दी से जाके पानी लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए तेरे को? 2 दिनों की छुट्टी दे दो बस। अच्छा, छुट्टी चाहिए तेरे को? हे विनोद, ये भड़वे का जरा हिसाब करो तू, इसको हमेशा के लिए छुट्टी दे देते हैं। हे विनोद, जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो गया, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी। ले लो। नहीं नहीं, छुट्टी। अरे भोसड़ी के ले जा छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी। बड़वा चोत, कल किडनी अंदर धरा था, फेफड़े अंदर धरा है, दोबारा दिख मत जाना, नहीं तो गड़िया फाड़ देंगे। छोटू हटेला, हाय हाय। छोटू हटेला, हाय हाय। छोटू हटेला, हाय हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बड़वा गिरी नहीं चलेगी, हमारी मांगे। अरे चाचा, आराम से आराम से। हमें अपने आप के लिए लड़ना होगा। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी तनख्वाह 10 सालों से नहीं बढ़ी है। Oh, no. जब तक छोटू अटेला हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, तब तक हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। अरे फुगनिया, ये क्या कर रही हो? अंधा है क्या लोड़े, दिख नहीं रहा है, क्या कर रही हूँ? मेरा मतलब है, काम क्यों कर रही हो? आओ हमारे साथ करो। मेरा मतलब है, तुम काम क्यों कर रही हो? आओ हमारे साथ हड़ताल करो। तुम्हें अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ानी क्या? नहीं। तो क्या तुम्हारे 6,000 में गुजारा हो जाता है? 6,000 में क्या होगा मेरा, मुझे तो 14 मिलता है। 14 किस बात का देता है वो भड़वा? छोटू अटेला, हाय हाय। देख रहा है विनोद,
किस कदर हमारा विरोध किया जा रहा है। नीम का पत्ता कड़वा है, छोटू ज्यादा कड़वा है। 40 गोली है मेरे घोड़े पे, छोटू हटेला है मेरे घोड़े पे। हमारी मांगे बस कर बुढ़ाओ, यमराज के अगले कस्टमर, इस उम्र में ऊपर वाले से मुक्ति मांग, मजदूरी नहीं। साला बुढ़ाओ। अबे हटेला, तुम्हारी कंपनी में काम करके हमारे हाथों की लकीरें मिट गई है। वो तो मुट्ठे मारने की वजह से मिटी है। हम रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, फिर भी हमें 6,000 क्यों दिया जा रहा है? रो भगोनिया, वो कौन सा काम करती है जो उसे 14,000 दिया जा रहा है? बेटे वो जो काम करती है ना, तुम नहीं कर पाओगे। अबे ऐसा कौन सा काम है जो वो कर सकती है और हम नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ ना, तुमसे वो काम नहीं हो पाएगा। बे बता तो सही, ऐसा कौन सा काम करती है वो? ठीक है चलो तुमको बताता हूँ। फिर मेरी भी कंपा बढ़ जाएगी। तो चलो चल, लूंगी खोल अपना। क्यों क्यों, अपनी लुंगी क्यों खोलूं मैं? वही तो काम करती है वो। चल चल चल। भाग वो सड़ी के, मुझे नहीं करवाना ये काम। 14,000 नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए 14,000। अल हबीबी, हमको तुम्हारा बहुत पसंद आती। मतलब बड़े भैया को तुम्हारा काम बहुत पसंद आती। ना बच्चा ना बीबी, मिलो हमसे कभी भी। नानी बोला अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी वल हवल। शेख तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो हम बच्ची का हाल चाल पूछती। तो ठीक है चलिए, नीलामी शुरू हो गई। अल हबीबी, अल हबीबी वल हवल। जैसा कि आज होने वाली इस फैक्ट्री की नीलामी, और यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं मुकेश अंबानी और दो चार आटू झाटू लोग भी हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ से तशरीफ ला चुके हैं दुबई के मशहूर लौंडियाबाद शेख अब्दुल हन्नान मन्नान शैतान इबलीस अव्वल सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन की छठी औलाद अभिषेक बच्चन। तशरीफ रखिए। इस वक्त की सबसे ताजा खबर आ रही है कि इस नीलामी में कोई भी भोसड़ी का अंग्रेज हिस्सा नहीं ले सकता। अब इसका बच्चा हम अंग्रेज ना होती, हाँ तो कोई भी मुगल हिस्सा नहीं ले सकता। मुगल भोसड़ी के हम मुगल भी ना होती, हम शेख होती। हाँ तो कोई शेख भी हिस्सा नहीं ले सकता। शेख साहब तशरीफ रखिए। चलो बे उठो उठो यार, कैस्टा नहीं चल रहा है, नीलामी चल रही है, चलो निकल। भोसड़ी के मजदूर देख के गए समझा, तो फैक्ट्री के साथ साथ तुमको भी खरीद लेंगे। निकल भड़वा चौधरी, कुर्सी से उठ क्या करे साला। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। तो नीलामी की पहली बोली रखी गई है 5,00,000 रुपए। 6,00,000। तो अंबानी जी की तरफ से पहली बोली आती हुई 6,00,000 रुपए की। 7,00,000। तो यहाँ पे शेख साहब भी आज बहुत ही मूड में लग रहे हैं और बोली लगा दी है 7,00,000 की। 7,01,000 रुपया। कुछ आटू झाटू लोग भी हैं जो नीलामी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। 10,00,000। 15,00,000। 20,00,000। 25,00,000। 30,00,000। और अंबानी जी की बोली आ चुकी है 30,00,000 की। अब देखना यह है कि अगली बोली कहां से आती है। 32,00,000। और यहां पे 32,00,000 की बोली आती हुई जाटू मजदूरों की तरफ से। लगता है इस फैक्ट्री के मजदूर भी काफी अमीर हैं। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा आए कहां से? तू 32,00,000 की बोली लगा रहा है? 32,00,000 छोड़, मेरे पास तो 32 रुपए नहीं। अबे तो बोली क्यों लगा रहा है? अमीरों के साथ बोली लगा के बहुत प्राउड फील हो रहा है, तू भी लगा बहुत मजा आएगा। अबे भोसड़ी के पागल हो गया क्या? 50,00,000। 55,00,000। 60,00,000। और शेख साहब ने बोली लगा दी है 60,00,000 की। और यहाँ पे अंबानी जी कुछ सोच विचार कर रहे हैं।
61 लाख की बोली आ चुकी है झुकेश अंबानी जी की तरफ से। झुकने को तैयार नहीं है झुकेश अंबानी जी। और कोई 61 लाख एक, 61 लाख दो, 70 लाख, 70 लाख की कार भर बोली आ चुकी है शेख साहब की तरफ से। और इसी बोली के साथ लग रहा है अंबानी जी की गांड भी पड़ चुकी है। शांति का माहौल लग रहा है जैसे कि ये फैक्ट्री शेख साहब की हो जाएगी। तो कोई बोली लगाना चाहेगा? कोई नहीं। 70 लाख 1, 70 लाख 2, 70 लाख 1 करोड़। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा अच्छा कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ फैला दें।